अबे नहीं यार, कुछ ही घंटों में शाम हो जाएगी, फिर तो वहाँ पर जाके मतलब ही क्या है। ऊपर से ये दोनों जन पता नहीं क्या कर रहे हैं। टॉप यार जल्दी कर ले। टॉप? ओ भाई साहब जरा इसको देखो। टॉप तुझे थोड़ी सी भी शर्म है? हम लोग यहाँ पर लेट हो रहे हैं और तू नहाने के लिए घुसा हुआ है। अपने कपड़े पहनने में इतना टाइम लगा दिया और मैं थोड़ी देर अपनी बॉडी को ठंडा क्या कर रहा हूँ? आपको गुस्सा आ गया? चुपचाप अभी के अभी बाहर निकल। हाँ निकल रहा हूँ, मुझ पर ऐसे चिल्लाओ मत। अरे बाप रे, इसको बोलते कर्मा। अब पता नहीं शिनचैन क्या कर रहा है, मैंने उसे बैग भेजा था, वापस ही नहीं आया। शिनचैन क्या? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ पर नाच रहा है। अरे सॉरी फ्रैंकलिन भैया, घूमने जाने की खुशी में मैं इतना पागल हो गया कि नाचते नाचते मेरे ध्यान से ही निकल गया है। अगर इतना ध्यान रख लेता ना तू तो मेरा भला हो जाता ना। अरे आपके बोलने का मतलब क्या ही? मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। चुपचाप नीचे उतर और गाड़ी में बैठ। अरे अब मैं कहाँ बैठूं? ऊपर कोई भी कोना पकड़ के खड़ा हो जा। अरे यार ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे पैर तो दोनों बैग के बीच में फंस गए हैं। आप दोनों तो आराम से बैठे हो ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अरे आज तो हम लोग पिकनिक पर जाएंगी, कितना मजा आएगा ना। मैं तो सबसे पहले जाके वहाँ पर नहाऊंगा। अरे क्या बात कर रहे हो, पहले बताना चाहिए ना, मैं फालतू में यहाँ पर नहा लिया। अरे सामने देखो। दीदी यार अपने कुत्ते को हटाओ, आराम से जाना होगा वरना गाड़ी के नीचे आ गए तो अलग लोचा। अरे ये आजकल के लोग कैसे है, गाड़ी सामने से आती हुई दिख रही है फिर भी रास्ते से नहीं हटती। हाँ तूने एकदम सही बोला, सब लोग तुम्हारी तरह ढीठ हो गए। ये देखो फिर से हमको ही, आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे बस ऐसे ही बोला, वो देख सामने हाथी दिख रहा है। अरे भाई ये कितने प्यारे दिखते। तू अगर ध्यान से देखेगा ना तो यहाँ पर एक नहीं है, बहुत सारे है। यहाँ से तीन और दिखाई दे रहे हैं। चलो अभी एक काम करते हैं, गाड़ी को यहीं पर रुका देते हैं, ये जगह ठीक रहेगी। आ जाओ बच्चों फटाफट बाहर, आज बहुत मजा आने वाला है यार। कितनी खूबसूरत जगह है, शहर से काफी दूर और ये नदी भी बहुत साफ है। अरे हाँ ये बात तो है। तो चलो अभी हम लोग तैयार हो जाते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट करके क्या ही मतलब है। तो जो जो नहाने वाला है जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी अपने कपड़े उतार लेता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग हो चुके हैं तैयार, आ जाओ तुम दोनों जन भी। अरे नहीं आप लोग जाओ, मैं यहीं पर हूँ, वैसे भी मैं नहा कर आया था। ठीक है भाई तेरी मर्जी, चलो गाइस हम तो चले। हो क्या ठंडा ठंडा पानी है यार। एक तो अपोजिट साइड तैरने में ना अलग ही मजा है, ये एक चैलेंज जैसा होता है। मैं आगे जाता हूँ, थोड़ी देर में वापस पीछे आ जाता हूँ। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया आज तो मजा ही आ गया ही, बेचारा चॉप इस चीज का मजा ही नहीं ले पाया। चॉप यार मैं तो बोलता हूँ आजा। अरे नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं है गीला होने का, मुझे तो यार छांव में बैठ के आप लोगों को देखने में ही मजा आ रहा है। छोड़ शिनचैन जाने दे, ये एक नंबर का आलसी है, इसे नहीं पता ये क्या मिस कर रहा है। वैसे अभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, बाहर जाके कुछ खा के आ जाता हूँ। तू आ रहा है तो तू भी आ जा शिनचैन। अबे नहीं यार यहाँ पर काई है, क्या पैर फिसला है मेरा। ओहो ओहो भाई जंप लगा के पहुँच गए गाइस। शिनचैन आना है तो आ जा, वरना ज्यादा दूर मत जाना, आगे नदी का बहाव बहुत तेज है। एक मिनट चॉप ये कहाँ पर गया? शिनचैन तूने चॉप को देखा क्या? अरे रुको मैं वहीं पर आ रहा हूँ। अरे अभी दो मिनट पहले तो हमने उससे बात की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुसु पॉटी करने गया हो? अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो कुत्ता पॉटी भी घर के अंदर करता हो वो यहाँ पर आके जगह क्यों ढूंढेगा। हाँ यार ये बात भी है, फिर वो कहाँ जा सकता है। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या आपको भी वो आवाज आ रही है? हाँ कोई कुत्ता भौंक रहा है ना, चल तो जाकर देखते हैं। आवाज तो चॉप जैसी लग रही है, पर वो ऐसे जल्दी भौंकता नहीं है, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। अरे कहीं यहाँ पर जंगली कुत्ते तो नहीं? नहीं यार शिनचैन। ओ भाई साहब एक मिनट, अबे ये तो स्पीकर मैन है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी मैं समझा इसलिए चॉप कब से भौंक रहा है। स्पीकर मैन तुम ठीक तो हो ना? नहीं मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सब किसने किया? और सबसे पहली बात तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं पहुँचा हूँ, दरअसल जी मैन के साथ मेरी एक भयानक लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद मैं एक नदी में गिर गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर था। एक मिनट, इसका मतलब तुझे बीच का कुछ भी याद नहीं है? मुझे बीच का छोड़ो, पहले की भी बहुत सारी बातें याद नहीं आ रही है। प्लीज मुझे टोनी के पास ले चलो, मुझे उससे मदद चाहिए। हाँ तुम्हें देख के लग तो रहा है कि तुम्हें मदद की जरूरत है, और वैसे भी हमें टोनी की टाइम मशीन से पता चल सकता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हें जो भी करना है करो, पर पहले यहाँ से चलो। अरे हाँ सॉरी, चलो सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। गाइस यार हो गया हमारा पिकनिक, आज तक कभी भी हम लोग बाहर घूमने आए हैं तो वो चीज सक्सेसफुल हुई नहीं है, और मना भी कैसे करूँ, इसकी हालत सच्ची में बहुत खराब है। अभी तक तो सामान भी नहीं उतारा था मैंने। जल्दी से आ जाओ यार, कहाँ पर रह गए? हम लोग बस पहुँच गए है। अरे नहीं ये तुम क्या कर रही हो, ये मेरी जगह है। कोई बात नहीं शिनचैन, तू भी चॉप के साथ ऊपर बैठ जा। अरे यार यहाँ पर तो जगह काफी कम है। क्यों कैसा लग रहा है, ये बात जब मैंने बोली थी तो कोई मान ही नहीं रहा था। अब ये सब बहस का टाइम नहीं है, थोड़ी देर एडजस्ट कर लो, आधे घंटे में तो हम लोग टोनी के पास पहुंच जाएंगे। एक तो इतनी छोटी गाड़ी है ये। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया पहले वाली बेच की थी। अरे वो बहुत खराब हो गई थी इसलिए मैंने एक्सचेंज करके ये वाली ले ली। उस दुकानदार ने आपको पोपलू बनाया है? क्या पोपलू? अरे इसके कहने का मतलब उल्लू बनाया है, उल्लू। तो सीधा ही बोल देना कि उल्लू बनाया है। वैसे स्पीकर मैंने एक बात बताओ, तुम्हारी बॉडी ढंग से काम तो कर रही है ना? नहीं मेरे बहुत सारे पार्ट्स खराब हो गए हैं, अंदर की सारी वायरिंग हिल गई है, इसलिए तो मुझे टोनी से मदद चाहिए। मानना पड़ेगा यार
जी मैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, कोई जीत ही नहीं पा रहा है उससे। हमारी टीम अभी भी कोशिश कर रही है, एक ना एक दिन हम लोग उसे हरा ही देंगे। अरे ये तो मैं भी कब से बोल रहा हूँ, पर आज तक हुआ ही नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया, आपने तो कपड़े भी नहीं पहने हैं। अबे हाँ यार, छोड़ो, आ जाओ तुम लोग भी अंदर। ये रहा टोनी गाइस। अरे फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ऐसे नंगे क्यों घूम रहे हो? दरअसल इसके पीछे एक स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगा। पहले जरा यहाँ पर देखो, स्पीकर मैन बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसके बहुत सारे पार्ट्स खराब हो गए और वायरिंग पूरी हिल गई है, उसे रिपेयरिंग की सख्त जरूरत है। पर ये सब हुआ कैसे? दरअसल हम लोग दो काम से आए, एक तो स्पीकर मैन की रिपेयरिंग के लिए और दूसरा यही जानने के लिए कि ये सब हुआ कैसे। तो ये सब तो तुम स्पीकर मैन से भी पूछ सकते हो। उसका सिस्टम इतना हिल गया है ना कि उसे खुद को भी याद नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या था। जिसने भी स्पीकर मैन का ये हाल किया है, हल्क उसे छोड़ेगा नहीं। अरे इसका ये हाल तो जी-मैन ने किया है, पर पूरी बात हमें नहीं पता कि ये सब हुआ कैसे है। तो टोनी जल्दी से मशीन को स्टार्ट कर दे, मुझे इसका पास देखना है। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ मशीन को चालू करने। ये मैंने बटन दबा दिया है, सब लोग तैयार हो जाओ, ये कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। तो गाइस यार, हम सब तो तैयार है, अगर आप भी तैयार हो स्पीकर मैन के 99 ईयर देखने के लिए, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कहानी की शुरुआत होती है जी मैन की बढ़ती फौज से। उनका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि साइंटिस्ट ने जो कैमरा मैन की आर्मी बनाई थी वो भी उन्हें नहीं रोक पाई। ये सब देख के हमारे साइंटिस्ट बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए वो तुरंत अपने दूसरे प्रोजेक्ट P1337 पर लग गए, जो कि था हमारा स्पीकर मैन। और ये काम उन्होंने शुरू किया एक प्राइवेट आइलैंड पर, ताकि किसी भी स्किबिडी टॉयलेट को इस चीज की भनक तक ना लग सके। पर क्या ये प्रोजेक्ट इन स्किबिडी टॉयलेट्स को रोकने में कामयाब होगा? चलिए देखते हैं। पता नहीं और कितना काम बाकी है, जो करना है जल्दी करो। मुझे लगता है हमारे अड्डे की खबर स्किबिडी टॉयलेट्स को मिल चुकी है। मुझे जल्दी से बताओ अभी का प्रोग्रेस क्या है और ये कब तक शुरू होगा? तुम ये क्या कर रहे हो? सर मैं इस मशीन को थोड़ा और फास्ट कर रहा हूँ, ताकि ये जल्दी से निपट जाए। अच्छा ठीक है, तुमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया या नहीं? हाँ सर, बस थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग बाकी है, फिर कुछ ही दिन में ये एक्टिव हो जाएगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बॉडी का काम कैसा चल रहा है? सर ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, आप चाहे तो इसे एक्टिव कर सकते हैं, बस एक वायर कनेक्ट करना बाकी है। एक मिनट, की आवाज कैसी? ये तो एक अलर्ट है, मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पक्का स्किबिडी टॉयलेट हमारी तरफ आ रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी जाके उन्हें यहाँ पर आने से रोकना होगा, क्योंकि अगर कैमरामैन के एक्टिव होने से पहले वो यहाँ पर पहुँच गए तो वो हमारा पूरा प्रोजेक्ट बिगाड़ देंगे। मुझे यहाँ से सीधे किनारे पर जाना चाहिए, वो लोग अभी तक वहीं पर होंगे, मैं उन्हें उससे आगे आने ही नहीं दे सकता, भले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अरे बाप रे, ये क्या, मुझे लगता है मुझे देर हो गई है, मुझे इन सबको यहीं पर निपटाना होगा। एक काम करता हूँ, यहीं पर चुप जाता हूँ, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, हमारा जीना हराम करके रखा है, पूरा देश इनकी वजह से मुसीबत में है। पता नहीं ये चीज कहाँ से आई है, बस थोड़े बहुत और बाकी है, जल्दी से थोड़ा और पास जाता हूँ, ये पेड़ ठीक रहेगा। और ये गया, अरे बाप रे, ये लोग तो फायर पे फायर किए ही जा रहे हैं। अगर गलती से भी ये लोग आगे चले गए और इन्हें पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये लोग सब कुछ जी मैन को बता देंगे और फिर वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। बस यहाँ पर एक टॉयलेट और बाकी है, और ये भी गया, चलो फाइनली। अरे नहीं, ये क्या, पीछे एक और है, तेरी तो मैं। अब मुझे लगता है कि मेरा रास्ता साफ है। स्किबिडी, एक मिनट, ये किसकी आवाज थी? अरे बाप रे, अब ये क्या है, ये तो बड़े ही अलग किस्म का टॉयलेट लग रहा है। तुमने एकदम सही कहा स्किबिडी, मेरा नाम है स्पाइडर स्किबिडी टॉयलेट और मैं इन सबसे बहुत खतरनाक हूँ स्किबिडी। मुझे पता चल चुका है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो स्किबिडी, मैं तुम्हारा ये प्रोजेक्ट कामयाब होने ही नहीं दूंगा। अरे बाप रे, ये क्या, इसे पता चल चुका है, मुझे इसे यहाँ से दूर लेकर जाना होगा। हे तुम, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, तुम एक नंबर के चिंदी हो, तुम जैसे लोगों से मैं डरता नहीं हूँ, आओ मुझे पकड़ो। मुझे जल्दी जल्दी इनमें से एक बोट पर बैठना होगा, जितना ज्यादा हो मुझे इसे दूर लेकर जाना है। आ जा डरपोक टॉयलेट। अरे बाप रे, ये क्या, सामने तो चट्टान है। नहीं, चलो बार बार बचा, पता नहीं स्पीकर मैन कब एक्टिव होगा। चलो अच्छा है, ये अभी भी ठीक मेरे पीछे ही है, इतना तो मैं समझ गया हूँ, इन सब में इतना दिमाग नहीं है, बस कैसे भी करके इसे तब तक रोक के रखना है जब तक स्पीकर मैन एक्टिव नहीं हो जाता। अरे बाप रे, इसने तो बहुत जोर से टक्कर मार दी है। एक काम करता हूँ, इसे गोली मारने की ट्राई करता हूँ, पर कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है स्किबिडी, तुम्हारे इन मामूली सी गोलियों से मेरा कुछ बिगड़ेगा? तो तुम बहुत बड़े गलतफहमी में हो स्किबिडी, मैं तुम लोगों से बहुत ही ताकतवर हूँ स्किबिडी। ये देखो, तुम्हारे पास आ गया सीधा जंप मार के स्किबिडी। पास आने से कुछ नहीं होता, तुम अभी तक मुझे छू भी नहीं पाए हो, समुद्र की लहरों की वजह से वो मेरा ठीक से पीछा नहीं कर पा रहा है। चलो मैंने उसे आइलैंड से भी दूर कर दिया है, एक काम करता हूँ, किनारे पर जाके छुप जाता हूँ, ताकि मैं भी बच जाऊँ। अरे नहीं, ये क्या, मुझे लगता है मैं बोट गलत जगह पर ले आया हूँ, यहाँ पर तो स्किबिडी टॉयलेट की पूरी फौज है, मुझे जल्दी से उतरना चाहिए। जरा देखो तो सही, यहाँ पर ये तो चारों बाजू फैले हुए है, अब मुझे नहीं लगता कि मेरा बचना संभव होगा। सर आप पीछे हो जाइए, मैं आ चुका हूँ मेरे मिशन को पूरा करने के लिए। एक मिनट, तुम एक्टिव हो गए, तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है, मुझे तो लगा था आज मैं मारा जाऊंगा। नहीं सर, चिंता मत करिए, आपने जिस काम के लिए मुझे बनाया है आज मैं वो पूरा करके ही रहूंगा, आप बस यहाँ से चले जाइए, ये जगह आपके लिए खतरनाक हो सकती है। अच्छा ठीक है, जो करना ध्यान से करना, ये लोग बहुत खतरनाक है। सर फालतू में डर रहे थे, ये सब मेरे सामने
सामने कुछ भी नहीं है, इनका सारा डाटा है मेरे पास, मैं इनकी कमजोरी जानता हूँ, तुम सब बच्चे हो मेरे सामने। अरे बाप रे, ये क्या, मैं तो अटक गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही पास चला जाता हूँ। अब तो तुम भी गए, हुआ क्या लात पड़ी है। मेरा तो पहला ही मिशन इतना खतरनाक निकला। दूर हटो यहाँ से, ये लोग बहुत सारे हैं, इन्हें खत्म करने में थोड़ा सा तो टाइम जाएगा ही। अब बस ये आखिरी वाला बचा है, जरा यहाँ पर आओ मुन्ना और ये खाओ। ये हुई ना बात, फाइनली मैंने सबको खत्म कर दिया है, अब चलता हूँ यहाँ से। स्किबिडी स्किबिडी, एक मिनट, ये किसकी आवाज थी, ऐसे कैसे जाओगे स्किबिडी, जरा पीछे मुड़ के देखो, हीरो तो यहाँ पर खड़ा है स्किबिडी, ये सब तो बच्चे थे, मैं हूँ उनका बाप स्किबिडी। ये इतनी अजीब सी आवाज किसकी है, अरे बाप रे, ये क्या चीज है, इसका तो कोई भी डाटा मेरे अंदर नहीं है, कैसे होगा स्किबिडी। क्योंकि तुम्हारी साइंटिस्ट की टीम मामूली से टॉयलेट्स को पकड़ती है और उनका डाटा कलेक्ट करती है स्किबिडी, पर मुझ जैसे को पकड़ना उनके बस की बात नहीं स्किबिडी, और ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा स्किबिडी, जब मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, इतना बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तुम अपना ध्यान रखो स्किबिडी, क्योंकि तुम्हारे जैसा पीस इन साइंटिस्ट ने पहले भी बनाया था स्किबिडी, जिसे ये कैमरामैन कहते थे स्किबिडी, पर उसका भी क्या हुआ, वो कुत्ते की मौत मारा गया स्किबिडी। एक तो तुम ये स्किबिडी स्किबिडी बोलना बंद कर दो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फिर आ जाओ स्किबिडी, कर लेते हैं दो दो हाथ। एक मिनट, ये धमकी देके कहाँ गायब हो गया है, क्या हुआ डरपोक, हार गए हो क्या, हिम्मत है तो सामने आओ, मुझे लगता है वो जा चुका है। ऐसे कैसे जाऊंगा स्किबिडी, कैसे लगे मेरे काटे, तुम्हारे इन सब चीजों से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तो ये लो जाओ यहाँ से। अरे बापरे, इसने तो बहुत जोर से फेंका है, आउच, मेरा नया सूट थोड़ा गंदा हो गया है, इस बात के लिए मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये फिर से आ गया यहाँ पर, आउच, एक तो ये बार बार काटे कहाँ से निकालता है, तेरी तो मैं ये ले। अब तो तू गया, तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, जितना इससे पहले वाले टॉयलेट्स को मारा था उससे भी गंदा मारूंगा। ये क्या, ये हिल क्यों नहीं रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं, लगता है इसका फ्यूज उड़ गया, मुझसे पंगा लेने चला था, इसे लगा होगा कि मैं कैमरामैन की तरह कमजोर हूँ, यही इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। चलो अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है, मैं चलता हूँ यहाँ से। ऐसे ही कई सालों तक स्पीकर मैन स्किबिडी टॉयलेट से लड़ता रहा, उसे जिसके लिए बनाया गया था वो काम वो बहुत ही अच्छे से कर रहा था, और देखते ही देखते 20 साल ऐसे ही निकल गए। चलो आजकल ये टॉयलेट काफी कम दिखाई दे रहे हैं, लगता है मेरी मेहनत काम आ रही है। एक मिनट, ये किसका फोन आ रहा है, ये तो हेडक्वार्टर से है। हाँ बोलिए सर। स्पीकर मैन मेरी बात सुनो, तुम्हें एक मिशन दिया जा रहा है, स्किबिडी टॉयलेट कई दिनों से जेल के अंदर कुछ कर रहे हैं, हमने पता लगाने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि वो सारे कैदियों को पकड़ के अपने जैसा बनाना चाहते, तुम्हें वहाँ पर जाके उन्हें छुड़ाना होगा और स्किबिडी टॉयलेट से बचाना होगा। ऐसी बातें तो ठीक है सर, आपका ये काम हो जाएगा, अब बेफिक्र रहिए, मुझे जल्दी जल्दी जेल पहुँचना होगा। एक काम करता हूँ, ये वाली गाड़ी लेकर जाता हूँ। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर आपको बाहर निकलना होगा। अरे ये तो मैडम थी। अब वो सारे स्किबिडी टॉयलेट मिलकर कैदियों को अपने चंगुल में ले रहे थे, क्योंकि वो तो पहले से ही क्रिमिनल है, पर क्या वो ऐसा कर पाएंगे या फिर स्पीकर मैन उन्हें रोक लेगा। चलो मैं पहुँच गया हूँ, मुझे यही से जंप लगानी होगी, क्योंकि अगर मेन गेट से गया तो उन्हें पता चल जाएगा। अरे बाप रे, क्या बात है, नहीं मेरी गाड़ी टकराने वाली है। ये क्या जंप फेल, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अब मुझे उन कैदियों को ढूंढना होगा और यहाँ से बाहर निकलना होगा। अरे ये गोली कौन चला रहा है, मुझे जल्दी से गाड़ी को रोक के यहाँ से निकलना होगा। मुझे लग रहा है ये लोग उन छोटे छोटे टावर से गोली चला रहे होंगे। अरे नहीं सर, ने एकदम सही कहा था, ये लोग तो जेल के अंदर घुस गए हैं, इन्हें अपने स्पेशल गन से मारता हूँ। वह क्या बात है, इसमें से तो स्पीकर निकलते हैं। चलो अब तुम लोग नहीं बचोगे, ये लो और ये खाओ। वह क्या बात है, मैं एक साथ बहुत सारे स्पीकर छोड़ सकता हूँ, ये गन तो कमाल की है, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। मुझे जल्दी जल्दी इन सबको खत्म करना होगा, ये लोग अपनी सेना बड़ी करने के चक्कर में है, इसलिए कैदियों को भी अपने जैसा बना रहे हैं। पर यहाँ पर तो एक भी कैदी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो लोग कहाँ पर होंगे। एक मिनट, ये क्या, सर का फिर से फोन आया है। हाँ बोलिए सर। देखो स्पीकर मैन, मेरी बात ध्यान से सुनो, फिलहाल सारे कैदी सेल के अंदर है, वो लोग उन्हें स्किबिडी टॉयलेट बनाने की प्रक्रिया शुरू करने ही वाले है, तुम्हें उन्हें वहाँ से बाहर निकालना होगा। अरे पर सर, मैं उन्हें बाहर निकालूंगा कैसे, वो सब तो लॉक है। देखो तुम अभी जहाँ पर हो वहाँ पर साइड में कंट्रोल रूम है, तुम वहाँ से सारे सेल खोल सकते हो। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ से ऊपर जाना होगा, काश के ये चीज काम कर जाए, एक बार सारे कैदियों को निकाल लूं, फिर उन्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है, मैं क्रिमिनल्स को छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। चलो ये रहा कंट्रोल रूम, जल्दी से अंदर जाता हूँ, इसका कंट्रोल यही कहीं होना चाहिए, मुझे लगता है यही है। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी होगी। चलो हो गया है, अब सारे सेल ओपन हो जाएंगे, कैदियों के भागने की आवाज तो आ रही है, मुझे लगता है वो लोग निकल गए हैं। चलो मैं भी जाता हूँ जल्दी से यहाँ से। अरे बाप रे, ये क्या, मैं तो भूल ही गया आगे रास्ता नहीं था, मेरे स्पीकर में थोड़ी सी मिट्टी चली गई।
गई है। ओ भाई साहब जरा यहाँ तो देखो, अब ये क्या चीज है? स्किबिडी स्किबिडी, मैं हूँ एस्ट्रो स्किबिडी। तुम जो कोई भी हो मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना तुम्हारा हाल भी वही करूंगा जो बाकी स्किबिडी टॉयलेट का किया है। अच्छा ऐसी बात है स्किबिडी, तो आजमा के देख लो, मैं उन सबसे कई ज्यादा ताकतवर हूँ स्किबिडी। यहाँ से आगे जाने के लिए पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा स्किबिडी। कोई बात नहीं, मैं खुशी से तैयार हूँ, और वैसे भी मुझे इसीलिए बनाया गया था ताकि तुम लोगों को खत्म कर सकूं। आजा कर लेते हैं दो दो हाथ। स्किबिडी स्किबिडी, तू तो गया बच्चे, तू बहुत बड़ी गलत फहमी में है, ये ले और ये खा। तुझे अभी मेरे ताकत के बारे में अंदाजा नहीं है, इतने सालों में मैं और ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। क्या हुआ आना, वाट लग गई क्या? रुक आ रहा हूँ स्किबिडी, इतने से मुझे कुछ नहीं होने वाला। अरे बाप रे, ये क्या, अब जाके ये अपने असली पावर बता रहा है। रुक जा, तुझे ये सब बहुत भारी पड़ेगा। कोई बात नहीं, छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है, एक बार बस उठ जाओ फिर मैं इसके दोनों पंख ही काट दूंगा। आउच आउच। स्किबिडी स्किबिडी, लग गई ना वाट, अब खड़ी होगी तेरी खाट। वो तो तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, फिर से, एक तो इसके पास बहुत सारी मिसाइल्स है, मुझे इससे थोड़ा बचकर ही रहना चाहिए। ये देखो फिर से इसकी मिसाइल खत्म ही नहीं हो रही है, तुम बचोगे नहीं। यहाँ पर आओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये लो। क्या हुआ, आ गया स्वाद, अब हिल के बताओ हिम्मत है तो। फाइनली मैंने इसे हरा ही दिया है। अरे नहीं, मुझे जाके सारे कैदियों को भी ढूंढना है, वह सामने एक बस पड़ी है, वो मेरे काम आ सकती है। मैं उन सब कैदियों को इसमें बिठा के बाहर ले जाऊंगा, पहले मैं खुद तो बैठ जाऊँ। अब पता नहीं बोलो कहाँ पर होंगे, यहाँ पर एक कैदी है, तुम भी अंदर बैठ जाओ। चलो एक को तो ले लिया है, पर बाकी के कहाँ पर गए? क्योंकि जेल तो अभी भी लॉक है, ये लोग ऐसे बाहर नहीं भाग पाएंगे। ये रहे ये लोग, सुनो मेरी बात, सब लोग जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, और ये रोना धोना बंद कर दो। तुम लोग भी कोई शरीफ लोग नहीं हो, वो तो कैदी ही। अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सब लोग तैयार हो, अच्छे से बैठ गए ना, क्योंकि आगे बहुत मुसीबतें आने वाली है। हाँ हम लोग तैयार है, तुम चल सकते हो। नहीं रुको जरा, मुझे बस को अपग्रेड करने दो, अब से ये बस होगी स्पीकर बस। अब बस ये देखना है कि ये चीज काम करेगी भी या नहीं। अरे नहीं, इन्होंने तो मुझे पीछे छोड़ दिया। सब लोग कस के पकड़ना, सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है। वाह क्या बात है, मेरे स्पीकर काम कर रहे हैं। चलो ये तो कमाल हो गया, मैं तो डाउट में था कि ये चीज वर्क करेगी भी या नहीं, पर ये तो हमारे सामने कोई भी गाड़ियां टिकने नहीं दे रही है। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं स्पीकर की पावर। मेरे वूफर के सामने कोई कुछ भी नहीं है, जो भी सामने आएगा उड़ के चला जाएगा। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम लोग कभी हमें नहीं पकड़ पाओगे। ये देखो सामने से एक और गाड़ी आई, ये कुछ ज्यादा ही उड़ के नहीं चली गई। लगता है मेरा बेस और तेजी से बढ़ रहा है, जैसे जैसे बस चल रही है ये स्पीकर और भी ज्यादा चार्ज हो रहे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, ये किसे टकरा गया मैं, पता नहीं क्या आ गया था बीच में। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे पुलिस की गाड़ियाँ कम हो रही है, मुझे बस कैसे भी करके इनकी नजरों से बचकर जाना होगा। चलो चलो सब लोग साइड हो जाओ। फाइनली जैसे तैसे करके मैंने उनसे पीछा छुड़ा ही लिया है, मुझे पहाड़ साइड ही जाना पड़ा। अगर मेन रोड से जाता तो वो लोग मुझे फिर से पकड़ लेते। चलो ये जगह ठीक रहेगी, यहाँ पर हमें कोई ढूंढने नहीं आएगा, उन्हें लगेगा कि हम आगे निकल गए हैं। मैंने कैदियों को भी बचा लिया है, उसी के साथ मेरा मिशन पूरा होता है। पर अभी भी मुझे जी मैन का पता नहीं लग पाया, पता नहीं कब मैं उसे पकड़ूंगा और कब खत्म करूंगा। स्पीकर मैन ने अपना ये मिशन तो पूरा कर दिया था, पर अभी भी उसे तलाश थी जी मैन की, जो कि इतने सालों में उसके सामने नहीं आया। पर वो मंजर भी हमें बहुत जल्दी देखने मिलेगा, तब तक आप भी हमारे साथ बने रहिए। कुछ सालों तक ऐसे ही स्पीकर मैन जी मैन को ढूंढता रहा, पर फिर भी वो उसे नहीं मिला। इसी निराशा में वो जाकर एक आइलैंड पर बस गया। अरे यार अब किसका कॉल आ रहा है? अरे ये तो सर है। हाँ बोलिए। स्पीकर मैन तुम हो कहाँ पर? तुमने न्यूज़ देखी या नहीं? आप किस न्यूज़ की बात कर रहे हैं? जरा जाकर चेक करो। अच्छा ठीक है, मैं भी जाकर देखता हूँ, पता नहीं ऐसा भी क्या आ रहा होगा। अब ये रिमोट कहाँ पर गया? ये रहा, जल्दी से शुरू करता हूँ। चैन से सोना है तो जाग जाओ, जी मैन आ चुका है वापस, और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर। अरे ये क्या, आखिरकार ये अपने बिल से बाहर निकल ही गया है, मुझे जल्दी उसे रोकने जाना होगा। मैंने अपना हेलीकॉप्टर यहीं पर रखा था, कहाँ पर गया? एक तो यहाँ पर झाड़ियाँ इतनी हो गई है ना। ये रहा। अरे यार फिर से फोन आ रहा है। हाँ बोलिए सर। मेरी बात सुनो स्पीकर मैन, तुम जी मैन को ऐसे नहीं हरा पाओगे, वो पिछली बार से बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो फिर ये काम मैं करूंगा कैसे? उसका इंतजाम मैंने कर दिया है, तुम्हें यहाँ से सीधा मिलिट्री बेस जाना होगा, मैंने वहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है। अच्छा ठीक है सर। यहाँ पर मैं पहुँच तो गया हूँ, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, वो क्या है वहाँ पर? जरा और नजदीक जाकर देखता हूँ। वह क्या बात है, सर ने तो मेरे लिए एक मेका स्पीकर मैन बना दिया है, ये तो दिखने में भी बहुत धासू है। मुझे इसके अंदर जाना होगा, यही से जम मारता हूँ, बस मैं नीचे ना गिर जाऊँ। और ये मैं चला, ये तो चलाने में भी बहुत स्मूथ है। मुझे लगता है इस बार तो मैं जी मैन को हरा ही दूंगा, पर उसके लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो शहर में तबाही मचा रहा है, बहुत दिनों तक इंतजार किया, लास्ट टाइम वो यही कहीं पर देखा गया था। वो रहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मेरे हाथ से तुम कैसे बचोगी?
स्किबिडी, तुम्हारे ही जैसा एक नमूना मैंने बहुत सालों पहले देखा था। लगता है तुम्हें भी मुझे मारने के लिए ही बनाया गया है। तुमने एकदम सही कहा और ये काम मैं करके रहूंगा। तो फिर आ जाओ, इंतजार किस बात का। अरे बाप रे, ये तो उड़ भी सकता है, ये कर क्या रहा है? आउच, ये अपनी मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। अरे नहीं, क्या हुआ? हालत खराब हो गई इतने में? तुम्हारा भी वही हशर होगा जो कि उस कैमरामैन का हुआ था। मैं कैमरामैन नहीं हूँ, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। हुआ क्या उठा कर फेंका है, ये तो बिल्डिंग के अंदर ही घुस गया था। आजा बच्चे, अभी तुझे बताता हूँ। तू क्या मुझे बताएगा? तुम लोग हमें कभी नहीं रोक पाओगे। अगर मैंने तुझे मार दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ले, ये सूट बहुत ही कमाल का है। तुम तो गए। अरे बाप रे, ये इसने क्या किया? मेरे सूट में तो आग लग गई है, मुझे जल्दी से जल्दी इसे खत्म करना होगा, इससे पहले मेरा सूट पूरी तरीके से बिगड़ जाए। मुझे इसे हराना ही होगा। और ये गया। चलो फाइनली आखिरकार हमने जी मैन को हरा ही दिया है, पर मेरे सूट में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इसकी वो आग मेरे अंदर तक पहुँच गयी थी। मुझे जल्दी से जल्दी सूट को सर के पास लेकर जाना होगा ताकि वो इसे रिपेयर कर सके। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये तो अपने आप बंद पड़ रहा है, इसकी पूरी बैटरी जल गई है। नहीं, इससे पहले कि इसमें ब्लास्ट हो मुझे इसके बाहर निकलना होगा। एक काम करता हूँ, नीचे उतर के सर को कॉल कर दूंगा। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा पैर फिसल गया। ओ, तो ऐसा हुआ था, तभी तुम्हें कुछ याद नहीं है। नहीं, पर अभी मुझे सब कुछ याद आ गया है। चलो गाइस, स्पीकर मैन को भी सब कुछ याद आ गया है, पर आप लोग एक चीज भूल रहे हो, इस वीडियो को लाइक करना और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। चैनल के साथ साथ मेरी पर्सनल आईडी भी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।